हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और चम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। सो फार हमने चैप्टर वन एंड चैप्टर टू कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको जरूर देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर से, चैप्टर थर्ड से। तो देखिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए, आप इस चैप्टर को क्लास नाइन्थ में तो आप देखोगे ही देखोगे, मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं क्लास नाइन्थ में, प्लस में आप क्लास टेंथ में भी इस चैप्टर को देखोगे बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर सेवन है और आप इसी चैप्टर को क्लास इलेवेंथ में भी देखोगे बेटा, लेकिन इलेवेंथ क्लास में 3D नाम से जाना जाता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। और यहां पे क्लास नाइन्थ और टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पे चैप्टर आई गेस इलेवेंथ ही है और इसके बाद आप इसको क्लास ट्वेल्थ में भी देखोगे बेटा, सेम 3D के नाम से, है ना। तो बेटा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, मतलब आज अगर आप पढ़ते हो तो फिर आगे की तीनों क्लासेस में आपने इसको पढ़ना है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ओके। और अब दूसरी बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस की नीड क्यों है। तो यार एक बात हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या डिस्क्राइब करता है कि किसी भी चीज की पोजीशन को मतलब किसी भी चीज का एड्रेस बताने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं बात करता हूं कि यहां पे कोई चीज है, सपोज करो, हाँ ऐसा समझते हैं, देखो ठीक है, ऐसे समझते हैं, यहां पे कोई चीज है, यहां पे कुछ भी चीज मैंने प्लेस कर रखी है, मेरे को इसका एड्रेस बताना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस इधर इस एंड से एक एंड को मैं मान लूंगा सेंटर पॉइंट, इस एंड से आप सपोज टू भी इतना जाओ और फिर यहां से आप इतना चले जाओ तो आप इस पोजिशन पे पहुंच जाओगे, है ना। यानी कहने का मतलब समझे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको इसका एड्रेस बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप यहां से इतने सेंटीमीटर या इतने यूनिट चलो और फिर वहां से आपने ये वाला टर्न ले लेना है, ठीक है, तो फिर आप यहां पे पहुंच जाओगे। क्लियर है बात? क्लियर है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम किसी भी चीज का एड्रेस बताने की हेल्प भी करता है चैप्टर, है ना। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो, इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज का इंट्रो है, तो इंट्रो में तो कुछ खास है नहीं, तो जो भी था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है 3.1 का, उसमें भी खास कुछ भी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेकार ही एक्सरसाइज है, बट उसको हम करेंगे जरूर थोड़ा सा, है ना, समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं उसको, है ना। चलिए तो ठीक है, देखेंगे भाई, देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा, कहता है कि चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है अब, है ना। तो कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो आप किसी भी पर्सन को वो लैंप की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब कैसे बताओगे। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि किसी भी चीज के एड्रेस को बताने का काम करता है ये, है ना। तो देखो, ये आप बेटा देख पा रहे हैं स्टडी टेबल, इस स्टडी टेबल में यहां पे एक लैंप पोस्ट है ना, ठीक है। अब मैं इसके एक कोने को, किसी भी एक कोने को सेंटर मान लूंगा, तो लेट सी कि मैंने इस वाले कोने को सेंटर मान लिया, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि आप यहां से 20 सेंटीमीटर जाइए, ठीक है, यहां से आप 20 सेंटीमीटर जाइए, मैंने ऐसा मान लिया कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और फिर यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितने सेंटीमीटर जाइए बेटा, 30 सेंटीमीटर जाइए, तब आप टेबल क्या कहते हैं लैंप पोस्ट पे पहुंच जाओगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और बाकी अगर मैं दूसरी बात कहूं लैंग्वेज की, तो ये सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो बेसिकली जो हमने बताना था वो वही था। अब देखिए एक बात और बताऊंगा, देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इसकी पोजीशन तो आपने बता दी कि भाई यहां से आप 20 सेंटीमीटर जाके 30 सेंटीमीटर अपवर्ड चले जाइए, लेकिन आप पहुंचोगे कहां पे,
आपने क्या बताया बेटा कि 20 सेंटीमीटर यहां से और 30 सेंटीमीटर फिर यहां पे है ना, तो आप जो चैप्टर का नाम देख रहे हो बेटा दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, क्या देख रहे हो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट का जो मीनिंग है वो वही था कि 20, 30 इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं ना। ये चीज हम अच्छे से आपको और आगे बताएंगे, ठीक है, और आगे अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि बेटा स्ट्रीट प्लान, कोई स्ट्रीट प्लान है ना यहाँ पे। ओके, कहता है कि अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक सिटी में जो है वो दो मेन रोड्स हैं, है ना, दो मेन रोड्स हैं। अब दो मेन रोड्स लाइक दिस और लाइक दिस कुछ ऐसे सी हो सकती हैं, है ना। ओके, तो दो मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, तो सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्लियर है। These two roads are along the north south, एक north south है and east west direction और एक east west direction है, ठीक है। ओके, आगे कहता है बेटा, आगे क्या कहता है, कहता है कि all the other streets और जो बाकी की streets हैं of the city run parallel to these roads, यानी कि जो बाकी की जो streets हैं वो इन्हीं दोनों के parallel, रुको मैं एक second, जैसे कि ये दो मेन रोड्स हो गई, अब बाकी की जो स्ट्रीट्स हैं वो इन्हीं के पैरेलल हैं। देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सिमिलरली एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरीके से। और मेन रोड्स कौन सी थी बेटा, देखो मेन रोड्स जो थी, मैं उसका कलर भी चेंज करके दिखाता हूं आपको, एक ये मेन रोड्स थी और एक ये मेन रोड्स थी, है ना, ये दो मेन रोड्स थी, बाकी की जो स्ट्रीट्स हैं वो इन्हीं के पैरेलल चल रही है ना। देखो साफ साफ लिखा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 200-200 का है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 200 है 200 है 200 200 200 एंड सो ऑन, ये भी यहां से भी ये वाली रोड जो है वो 200 मीटर की दूरी पे है, 200 एंड 200, इस तरीके से, है ना, ठीक है। ओके, कहता है कि देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 और एक और बना लेंगे तो 5, सिमिलरली इस वाली डायरेक्शन में देखो 1, 2, 3, 4 और एक और बना लेंगे तो 5, ऐसे, समझ रहे हैं बात को। ओके, फिलहाल मैं इसको क्लीन कर देता हूं इस तरीके से बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर लेना है आपने, है ना, ये यूज करके ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, और आपने रोड्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब देखेंगे बेटा, देखेंगे, हाँ तो देखते हैं, देखो अब पहले इसको समझते हैं बहुत ध्यान से, है ना, इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। ओके, देखेंगे, देखो बेटा ये होगी एक मेन रोड, आप देख पा रहे जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी, और एक ये हो गई मेन रोड जो कि साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, ठीक है। बाकी की 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं जो कि 200 मीटर अपार्ट है ना, यानी कि यहां से 200 मीटर की लाइन ये हो गई, है ना भाई, यहां से 200 मीटर दूरी पे एक ये हो गई रोड स्ट्रीट, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्ट्रीट हो गई बेटा, ठीक है, कितने कितने डिस्टेंस पे बेटा 200, ठीक है। और सिमिलरली ये तो हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, देख पा रहे हैं आप, अब दो बाकी 5 स्ट्रीट्स कैसी डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक पहली हो गई स्ट्रीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी स्ट्रीट बन गई है, ठीक है। ये भी कितने कितने के डिस्टेंस पे बेटा 200 के डिस्टेंस पे है, चेक कर लो, ठीक है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये भी। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला था बेटा, आपको स्केल भी बताया है यहां पे, इन्होंने स्केल बोला था आपसे, स्केल जो आपको बोला था बेटा वो बोला था 1 सेंटीमीटर
इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो आपने 200-200 मीटर की डिस्टेंस में बताना था, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आप बना लोगे इस तरीके से, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था उसको समझते हैं। ओके, तो आपने देखो यहां तक तो क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, ठीक है, यहां तक तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है, देर आर मैनी क्रॉसेस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। देखो, इन द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2.5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। फाइन, देखो समझते हैं इसका कहने का मतलब, समझते हैं। देखो इसने ये बोला है बेटा, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि ये जो आप प्लान देख रहे हो, स्ट्रीट प्लान देख रहे हो, इस स्ट्रीट प्लान में मान लो कि एक स्ट्रीट है जो कि किस डायरेक्शन में, बेटा एक स्ट्रीट किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। स्ट्रीट टू जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक स्ट्रीट जो है थर्ड स्ट्रीट मान लेते हैं, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मीट कर रही है। देखो चेक करो, मैं इसको ड्रॉ करता हूं और इसको ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इस पॉइंट पे जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है, ये जो क्रॉसिंग हो रहा है, इस क्रॉसिंग को इन्होंने क्या बोला कि भाई यहां से ये कितना था, सेकंड था, और यहां से ये कितना था, देखो चेक करो, 1, 2, 3। तो इसका पॉइंट जो कोऑर्डिनेट बन गया वो 2.3 बन गया। भाई कहां पे इसने क्रॉस किया, 2.3 पे इसने क्रॉस किया, ये कहना चाह रहा था, है ना। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आपको। ओके ओके, अब इसको आगे देखते हैं बेटा, है ना, आगे देखते हैं। अब देखो इसने कुछ आपसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन में क्या किया है इसने, कहता है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, अब आपने कुछ फाइंड करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4.3, मतलब 4.3 से आपसे पूछा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, मतलब कौन कौन से स्ट्रीट्स इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो 4.3 पे कौन सी करेगी, आप खुद चेक करो। भाई देखो 4.3 ये ना, 4 भी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। देखो 4 स्ट्रीट्स जो है, फोर्थ स्ट्रीट ये वाली है, ठीक है, यानी कि ये वाली, और 3 यानी पहले दूसरी तीसरी ये वाली है। तो बेटा ये वाला पॉइंट आ गया 4.3 पे, है ना। तो 4.3 पे कहने का मतलब ये था कि आप फाइंड करोगे कौन सी स्ट्रीट है, तो बेटा स्ट्रीट 4 जो कि साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और स्ट्रीट 3 जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब इसका आंसर भी चेक करते हैं, देखो इनके आंसर में इन्होंने क्या बोला, कहते कि बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द अबव फिगर। भाई दोनों ही स्ट्रीट मार्क जहां पे क्रॉस किया वो फिगर मार्क कर रखी है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस, तो बेटा एक ही जगह तो क्रॉस हो रहा है, आप चेक कर पा रहे, देयर इज वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4.3, जो कि 4.3 से मार्क कर रखा है, एंड अगेन ओनली वन। अब देखो दूसरा वाला पूछा इसने, दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड 3.4, तो 3.4 का देखते हैं भाई, थर्ड ये रही, ठीक है, थर्ड जो है आपकी वो ये रही, थर्ड ये है बेटा, और 3.4 ये रही, तो 3.4 ये वाला पॉइंट आ गया। अब सेम बात, एक ही जगह तो इसने क्रॉस किया, एक ही जगह क्रॉस किया, तो सेम लिखा है बेटा, एंड अगेन ओनली वन सिंगल क्रॉस है विच कैन बी रेफर्ड एज 3.4, आप 3.4 को देख सकते हैं। तो होप सो बेटा कि आपको ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, लेकिन एक बार और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखना समझना एक बार, है, मैं ट्राई करता हूं आपको एक बार और। देखो इसने बोला, क्या बोला इसने, कि भाई दो मेन रोड्स हैं, भाई ये हमने दो मेन रोड्स मान लिए, ठीक है, ये दो मेन रोड्स हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी है बेटा, ईस्ट वेस्ट,
तो ये ईस्ट और ये वेस्ट और नॉर्थ साउथ है ना, ये नॉर्थ, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला था इसके बाद, इसके बाद इसने ये बोला था कि बेटा इसके पैरेलल, इसके पैरेलल कुछ स्ट्रीट्स हैं, है ना, गलियां हैं यानी कि जो कि 200-200 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो बेटा एक मान लो कि एक ये है, एक दो तीन चार पांच, है ना, पांच ही बोली थी बेटा, पांच इस डायरेक्शन में हो गए बेटा, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और बाकी की पांच कौन सी डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, है ना। और ये कितने कितने बेटा स्केल मैंने आपको बता ही दिया था कि आपने ये दो दो सेंटीमीटर की दूरी पे लेना, क्योंकि एक सेंटीमीटर को 100 मीटर माना था और ये 200 मीटर की दूरी पे है, तो 200 से दो सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर हमने स्केल लिया, तो दो दो सेंटीमीटर के गैप पे आपने ऐसे बनाना मॉडल है। अब ये स्ट्रीट वन थी बेटा, ये स्ट्रीट टू थी, ये स्ट्रीट थ्री थी, ये स्ट्रीट फोर और ये स्ट्रीट फाइव, ठीक है। सिमिलरली ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, क्लियर है। अब इसने ना हमसे कुछ क्वेश्चन किया था, यहां तक करने के बाद इसने हमसे क्वेश्चन किया था कि भाई जो 4.3 है, 4.3 है, वो 4 जो है वो कितनी जगह मतलब क्रॉस कर रही होगी। 4.3 जो पॉइंट था, जैसे कि मैं आपको शो करता हूं, लेकिन मैं शो नहीं कर पाऊंगा आपको ना, कि शो करूंगा तो ये सारा फिर गायब हो जाएगा, तो शो तो नहीं हो पाएगा। तो इसने ये बोला था कि 4.3 जो है वो कितनी जगह क्रॉस कर रहा था, है ना। चलिए इस बात को समझते हैं। तो 4.3 का मतलब क्या हुआ, पहली बार तो ये समझेंगे। तो 4.3 का मतलब ये हुआ कि फोर्थ स्ट्रीट ये वाली और थर्ड स्ट्रीट ये वाली, तो चेक करो बेटा एक ही जगह तो क्रॉस हो रहा है, दैट इज पॉइंट 4.3 पे, 4.3 पे क्रॉस होगा, क्लियर है। तो एक ही जगह क्रॉस होगा, तो उसी की चीज का ये आंसर लिखा है कि बेटा बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स, दोनों ही क्रॉस स्ट्रीट, एक ये वाली और एक ये वाली, आर मार्क्ड इन द अबव फिगर, आप देख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, भाई यहां पे एक ही तो क्रॉस स्ट्रीट आया, क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4.3, जो कि रेफर कर रहे हैं 4.3 को, है ना। एंड इसने दूसरा ये पूछा था बेटा 3.4, तो 3.4 का मतलब ये हुआ कि थर्ड, चलो मैं चेंज कर लेता हूं कलर, तो थर्ड, थर्ड स्ट्रीट ये रही, ठीक है, एंड फोर, फोर्थ स्ट्रीट ये रही। तो बेटा चेक करो ये भी तो एक ही जगह क्रॉस कर रहे हैं, 3.4 चेक कर लो, तो सेम आंसर हो गया बेटा इसका भी। तो एंड अगेन ओनली वन विच कैन बी रेफर्ड एज 3.4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक स्ट्रीट प्लान है जो समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ में भी आ गया हो, ठीक है। अब इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा ना बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि अभी तक क्या था कि बिल्कुल मतलब कुछ था ही नहीं पढ़ाने के लिए, लेकिन अगले लेक्चर में आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, उसमें जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन आपको पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में, तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।